जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आपके पेपर्स बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन, और कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि सेकेंड ईयर का सिविक्स का सब्जेक्ट है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने आखिर तक इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से पेयरिंग स्कीम की समझ आ सके, और जब आप पेयरिंग स्कीम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको फॉलो करते हुए। तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस का पार्ट। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर देखते हैं कि एमसीक्यू उसका कितना कितना वेटेज आपको आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर वन, इसमें से हमें चार एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर टू में से तीन एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर तीन में से आपको तीन एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर फोर में से चार एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर फाइव में से तीन एमसीक्यूज आएंगे एंड चैप्टर नंबर सिक्स में से आपको तीन एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट, पार्ट नंबर टू, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे पास सबसे पहले आते हैं, इसमें हमें कहता है जी आपके जो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें देगा, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी का अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एवरी सिंगल क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और ये टोटल आपके 16 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसका वेटेज देखते हैं कि कुछ इस तरह के, चैप्टर नंबर वन में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर टू में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं। एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कह रहे हैं कि आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपके 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसका वेटेज कुछ इस तरह का, चैप्टर नंबर थ्री में आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा, चैप्टर नंबर फोर में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा। टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर नंबर थ्री में से और फोर में से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर कह रहा है वो टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा, 13, जिसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी का अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको ईजिली एग्जाम के अंदर आते होंगे और ये टोटल आपके 18 मार्क्स के 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसका वेटेज कुछ इस तरह के, चैप्टर नंबर फाइव में से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर सिक्स में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 13 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर टू, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको कहता है जी आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3 अटेम्प्ट करने हैं अपनी मर्जी के आउट ऑफ 5, ठीक है। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन टोटल देगा, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और ये टोटल 3 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 30 मार्क्स के होंगे। चलिए देखते हैं इसका वेटेज क्या है। जो आपका सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको कह रहा है चैप्टर नंबर 1 में से या 2 में से आपको आएगा। नेक्स्ट आपको कहता है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। और अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके पेपर्स के अंदर कामयाब करें। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पेयरिंग स्कीम की समझ लग गई होगी। किसी को समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दिया करूँ। और वो प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से वो भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आपने बेटा जी करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ सिंपल ब्राउज़र के ऊपर आना है, ये मेरा चैनल का नाम लिखना सर आज़म अली, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आपने इसको सिर्फ प्रेस कर देना है और आपने ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस लाजमी तौर पर करना है, बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच सके और आपकी वजह से उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।